नमस्कार, मैं अभिषेक गोपाल भार्गव, आज हमारी रैली विधानसभा क्षेत्र के खिरिया ग्राम में है। यहाँ पर आज चौसर या चौपड़ बहुत पुराना खेल है हमारे बुंदेलखंड सहित पूरे देश का, और आपने देखा होगा कि महाभारत काल में इसका खेल हम सभी को मिला। गाँव गाँव में ये खेल बहुत खेला जाता है। आज सीनियर लोग हैं, हम जानते हैं, और बड़ा ही मनोरंजनात्मक खेल है, और आप देख सकते हैं कि इसमें जितने लोग शामिल रहते हैं उन्हें दुनियादारी की चिंता नहीं रहती। आजू बाजू कौन बैठा हो तो खेल में मगन रहते हैं। आप देख रहे होंगे, आदरणीय चाचा जी से हम पूछना चाहेंगे इस खेल के विषय में, ये जो बिछा हुआ है ये कपड़े का, इसको क्या कहते हैं चाचा? चौपर, इसके ऊपर ही अपन खेलते हैं। कितनी टीमें खेल सकती हैं, कितने लोग खेल सकते हैं? पहले आप कितनी गोटियाँ रहती हैं? 16 गोटियाँ। 16 गोटियाँ, एक टीम में कितनी गोटियाँ? जैसे आप ये चार अपन इसकी दिशाएं देख सकते हैं, चार बाहें देख सकते हैं, तो इस हिसाब से मतलब एक बाह पे एक खिलाड़ी बैठेगा, तो चार खिलाड़ी बैठ सकते हैं, चार खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो कहलाए पार्टनर, अगर टीम बनानी है तो पार्टनर, अगर टीम नहीं बनानी है तो चार लोग टीम रहेगी, ठीक है, मतलब दो टीम खेल पाएंगे, और एक टीम के पास 8 गोटियाँ, चार चार कर, ठीक है। और ये खांचे जो बने हैं ये लगभग आप देख रहे होंगे कि आजकल लूडो का जो खेल चलता है लगभग उससे मिलता जुलता है। आजकल के जो नए लड़के हैं वो लूडो में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, ये जो हमारा पुरातन खेल है। और आपने देखा होगा, सुना भी होगा, टीवी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो महाभारत का सीरियल आता था, और हमने पढ़ा भी है कि वो ध्रुव क्रीड़ा उसमें जब और बड़ा फेमस कैरेक्टर शकुनी मामा, आपने देखा होगा, ये वही खेल है आप देख रहे होंगे। आज हमारे खिरिया ग्राम में विगत 3 दिन से ये प्रतियोगिता चल रही थी, आज उसका फाइनल है, और बबलू भैया हमारे साथ हैं, हमारे जनपद अध्यक्ष जी और सभी ग्राम के सम्मानीय लोग बैठे हैं। 32 टीमों ने भाग लिया था, और आज ये फाइनल चल रहा है पचारा पिपरिया और रेनवा के मध्य। अब देखते हैं कौन जीतता है। कई कई बार इसमें काफी समय लग जाता है, 3-3, 4-4 घंटे में ये खेल खत्म होता है। रोचक खेल है, जो लोग जानते नहीं है उनको रुचिपूर्ण नहीं लग सकता, क्योंकि आजकल लोग बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं, लेकिन बड़ा रोचक खेल है। आप देख सकते हैं कि ये गोटियाँ यहाँ पर रखी हुई अलग अलग रंग की है। बासे दिखाई हुई है जरा, ये आप देख सकते हैं, ये बासे है, हाथी दांत के हैं, ये हाथी दांत के पासे काफी पुराने हैं, हाथी दांत के पासे हैं, और इसमें ये मार्किंग है, ये नंबर है, 1, 5, 6, 2, ये सभी में मार्किंग होती है। 3 पासों को ऐसा करके फेंका जाता है, फिर जो नंबर आता है उस हिसाब से ये गोटी चलती है, है ना चाचा? तो आपने देखा होगा शकुनी मामा यूं किया करते थे और कहा कहते 12 ही आते थे, हम गोटी ना चलेगी। अब इस खेल के विषय में चाचा और कुछ आप विशेष बताना चाहें, कुछ और विशेष? 18 अंक आ सकते हैं एक बार में, कम से कम 3 एक गोटी को 84 खाने रहते हैं, 84 खाने निकलने आए, एक गोटी हम 84 खाने पार करते हैं, घर में जाकर खाने ध्यान में। बहुत सारे नियम है इस खेल के, धीरे धीरे जो है खेलता है जब उसको समझ में आता है। पहले बहुत सारी चीजें थी गांव देहातों में, जब ये खेल खेला जाता था तो गांव के हिसाब से भी बहुत सारे नियम इसके, और दंड और पुरस्कार दोनों चीजें इसमें सम्मिलित थी। आज मुझे कोई बता रहा था कि अगर
चार्ज चलने के लिए नहीं रहती है, खत्म हो जाती है। जब हार जाता है तो कई कई बार बरमान स्नान करने के लिए जाना पड़ता है नर्मदा जी, कहीं कहीं नरियल का दंड भी यहाँ पर लगा करता था। वो तो हम लोग ऐसा तो नहीं है कि जो हार जाए टीम तो फिर गांव भर को भंडारा भी ये हमारे विशेष रूप से हमारे बुंदेली बोचार के सचिन भैया राम राम आपके लाने, और हम चाहते हैं कि आप बुंदेलखंड की जो हमारी पूरी तरह तरह के विषयों पर आप इतनी जागरूकता दिखाते हो, हमारे बुंदेलखंड की पूरी संस्कृति को आप देश विदेश तक लेकर गए हो। निश्चित रूप से इस चौसर के खेल को भी आप अपना स्थान देंगे अपने बुंदेली बोछार के प्लेटफार्म पर, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि ये प्रकार से विलुप्त तो होती संस्कृति है, अब नए लोग इसको खेलते नहीं है, लेकिन आनंद बहुत आता है जब पूरा गांव बैठता है। आप देख रहे होंगे कि सभी वरिष्ठ बुजुर्ग हर वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वो इन संस्कृतियों को भी हम सहेजें, क्योंकि इसको पूर्व में कुछ गलत कारणों से भी इसको उस चीज में लिया गया था। आनंद का खेल है, फाइनल मैच चल रहा है और इसको सभी लोग आनंद से ले रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, जब तक आनंद आ रहा है तब तक बैठे हैं। देखते हैं अब 15 मिनट तो खेलो तो तू देख के चले गोटियां भी कैसे रखी जाएंगी, कौन सी चली जाएंगी, उसमें भी बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ गया तो आपने आगे गोटी चला दी, उसको भी थोड़ा रणनीति के हिसाब से खेलना पड़ता है। चारों गोटी मर जाए तो गुर्द कह रहा है। एक बार हमको जो आ जाए तो खेल होगा, न 6-3 आ जाए तो खेल बिगड़ का हो। एक जो बार पूरे मार नहीं को आओ अब गुरु आए ले ले कौन
ये कहते हैं वो कौन से लाख कर दे लाख कर दे सही है लाख ही है ये कहाँ हूँ मैं और हम कब हाँ एक धारा तुम धारा पास है एक धारा Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experience and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.